सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। तो ऐसे ही नवरात के इस शुभ महीने पे हम लोगों ने ये छोटे छोटे कन्याएं हैं पवित्र नवरात के महीने पे हम लोग ने अष्टमी पे ये महवा में हम लोगों ने जो मासूम बच्चे हैं, जो कन्याएं हैं, मुस्लिम समाज में जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए थे दुनिया में, तो 10% जो अरब मुबालिक देश था, तो तब किसी की बेटी हुआ करती थी तो उसको जो है जिंदा दफना दिया जाता था। लेकिन जब हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए रहमतुल्लिल आलमीन बन के, तो बेटियों का रुतबा इतना बुलंद कर दिया कि अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा होती तो रहमत बना के भेजा जाता है, और किसी की शरीके हयात बन के जाती है तो उसके यहाँ जो है रहमत बन के जाती है, और जब माँ बनती है तो उसके पैर के नीचे जन्नत कहा गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। तो ऐसे ही नवरात के इस शुभ महीने पे हम लोगों ने ये छोटे छोटे कन्याएं हैं, इनको देवी के रूप में पूजा जाता है। तो आज हम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ताओं ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने एक गंगा जमुना तहजीब पर एक आपसी भाईचारा दिखाते हुए देश को एकजुटता की ओर लेके चलने वाले, जिस तरीके से सभी लोग और हमारी जो सरकार है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, उन्होंने भी तमाम सारी ऐसे ही योजना महिलाओं के लिए भी निकाला है। जैसे कि आप देख लीजिए कि जो है कन्या विद्याधन योजना है और सुमंगला योजना है, तमाम सारी नारी सशक्तिकरण है, तमाम सारी ऐसी योजनाएं महिलाओं के लिए निकाला है। तो आज हम लोग सब मिलके एक संकट ले रहे हैं कि सभी जाति मजहब धर्म के लोगों की, महिलाओं की, हम सब एक दूसरे का मान सम्मान इज्जत रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।